सौ तो लगभग 10 से 12 हजार लोग अभी भी अंधेरे में छठ पूजा करने को मजबूर है। प्रशासन को चाहिए था कि उनके लिए अच्छे से अच्छी व्यवस्था करे, पर प्रशासन ने इतनी व्यवस्था करने में भी कोताही बरती है। मुझे जब यहाँ आया तब पता चला, पर मैं समुद्र नारायण भगवान की साक्षी में कहना चाहता हूँ, अगले साल आप देखिएगा एक भी अंधा अंधेरे में पूजा नहीं करेगा। आज हमने देखा कि काफी पंडालों में डीजी लगाया गया, क्योंकि प्रशासन की ओर से उनको जो सुविधा देनी थी, जो कनेक्शन देने थे वो नहीं दिए, उसके चलते उनको सारी समितियों को अपना आयोजन करना पड़ा, डीजी ला के रखना पड़ा। और ये समितियां कोई करोड़पति समितियां नहीं है, वो कोई किसी के दान पुण्य से चलने वाली नहीं है, वो तो बेचारे अपने कंट्रीब्यूट करके चलाते हैं। वैसे में भी 20-25 हजार डीजे नहीं खर्चेंगे तो सुविधा क्या देंगे? प्रशासन अगर ये भी नहीं करके देगा तो क्या करके देगा? मुझे जब वहां पर पता चला कि प्रशासन ने ऐसी भी कंडीशन रखी है कि ये समुद्र में किनारे पर पूजा करते वक्त किसी को कुछ भी हो जाता है वो पांडव की जवाबदेही है, तो प्रशासन क्या सुविधा देगा और क्या करके देगा? ऐसी कठिन परिस्थिति में भी सारे लोगों ने ये जो आयोजन किया है तो इन लोगों का तो आभार, और ये अर्घ दे रहे हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ, अर्घ देते देते ये आपके अर्घ में जो भी पुण्य है उसका थोड़ा फल ये समिति के लोगों को भी मिले, ताकि ये लोग मजबूत बने, सक्षम बने, दीर्घायु बने और उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ चढ़ कर ऐसे आयोजन